राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका विषय वैश्विक परिदृश्य में गांधी रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति राजीव जैन ने की। इस आयोजन में मुख्य अतिथि गांधीवादी विचारक विद्या जैन रही। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कोरा ने स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया। गांधी अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर राजेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में गांधी के विचार पर चर्चा सार्थक है, क्योंकि इस समय यूक्रेन और रूस में जिस तरह से विवाद छिड़ा है, उससे वैश्विक रूप से अशांति का माहौल है। इस दौरान स्टूडेंट्स ने भी अपने सवाल पूछे। तो वो हमारे बीच में माननीय कुल आदर और सम्मान के साथ उनसे विनय करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ। परिदृश्य में गांधी कहाँ पर है? जब शांति होती है तो गांधी और गांधी के विचारों को, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, जो भी हम बात करते हैं शांति की, वो शांति के काल में बात करना इतना समीचीन नहीं होता जितना कि इस समय रूस और यूक्रेन या अफगानिस्तान से यूएस का विड्रॉल। ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए यूथ के मकसद से जो युवा है, राजनीति विज्ञान विभाग या समाज विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके नॉलेज के लिए कि गांधी की वो प्रासंगिकता जो वैश्विक परिदृश्य पे क्या हो सकती है, इसको लेकर के आज एक संगोष्ठी का हमने आयोजन किया।